क्या आपने सोचा था कभी आप फ्रोजन पिज्जा खाएंगे? क्या आपने सोचा था कभी आप फ्रोजन मोमोज खाएंगे, या फ्रोजन पास्ता, या फ्रोजन राजमा, या फ्रोजन ब्राउन जीरा राइस, या फ्रोजन राजमा कॉम्बो, या फ्रोजन शेजवान नूडल, या पनीर मखनी, या पिंडी चने, या मीठा पान फ्रोजन? भाई साहब क्या क्या मिल रहा है। सो हाय गाइस, तनु दिस साइड फ्रॉम वेजी भाजी, और आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं 24 आवर RTE चैलेंज। ये RTE क्या है भाई? रेडी टू ईट। ये सारा का सारा खाना जो है ना, आपने बस माइक्रोवेव में डालना है, 5 मिनट छोड़ना और खा लेना है। कोई मेहनत नहीं, कोई चिक चिक नहीं। बेस्ट चीज़ है जो लोग जो अकेले रहते हैं, बैचलर्स हैं, या जिन लोगों को बड़ा आलस होता है ना, उन लोगों के लिए बेस्ट चीज़ है। आगे वाली क्लिप में देखेंगे भी, मैं मार्केट गया, ये सारी शॉपिंग मैं करके लाया हूँ, और कुछ ज़्यादा ही सामान मैंने ले लिया, इतना बड़ा फूडी जो हूँ मैं। तो अगर आपको इसका पार्ट टू देखना है तो मेरे पास और सामान पड़ा हुआ है, तो कमेंट करके बताना, मैं इसका पार्ट टू भी डालूंगा। फिलहाल के लिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में हम लोग फिलहाल ये खाएंगे, राजमा रसीले। अभी ब्रेकफास्ट कम लंच हो रहा है क्योंकि अभी 3 बज रहे हैं। आप स्टोरी में 11 बजे पहुंचिए, देखिए ये सारा सामान मैं लेके आया था, तो वो सारी चीजें आप देखिए। इतना मैं इसको माइक्रोवेव में गर्म करता हूँ और फिर खाना खाते वक्त मिलते हैं और देखते हैं क्या इसमें मजा है। वो राजमा मतलब जीरो मेहनत फुल टेस्ट है कि नहीं है, देखते हैं। लेट्स सी। अगर इस वीडियो पे दोस्तों 10,000 लाइक्स आएंगे तो इसका पक्का पार्ट टू बनाऊंगा। भाई साहब इतना सारा सामान है, मतलब इंस्टेंट मोमोज, इंस्टेंट पिज्जा, बस आपने डाला माइक्रोवेव में और बस पिज्जा बन के रेडी है। आ जाओ। ग्रेट गाइस, तो शॉपिंग करने निकले हुए हैं, इंस्टेंट फूड ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे मैं रिलायंस फ्रेश पे आया हूँ, रिलायंस जो भी होते हैं रिलायंस वाले, उस पर आया हूँ। अब देखते हैं क्या यहाँ पे मिलेगा। मेरे को लग रहा है कि मेरे को 2-3 दुकानों पे जा चुके ना, पूरी एक अच्छे से कलेक्शन बनानी पड़ेगी। आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं। फ्रोजन पिज्जा मिल गया, फ्रोजन पान भी मिल गया, और जो मेरी ट्रॉली है उसका व्हील खराब है। बाकी ऊपर देखते क्या मिलता है। अभी फिलहाल के लिए मेरे को ये सारी चीजें मिल गई, ये और ये तो मैंने बाद के लिए रखा है, चक्कर लग गया तो मेरे को गोल्डन की भी खानी थी, बाद में खाऊंगा। फ्रोजन पिज़्ज़ा, फ्रोजन पराठा, राजमा, राइस, पनीर मखनी और पिंडी चना और मीठा पान, ये सारे अलग अलग ब्रांड्स के लिए मैंने, ताकि सारे के सारे कंपेयर हो जाए, ट्राई हो जाए, कोई नूर का, MTR का, ये ITC का। फाइनली रिलायंस से वापस आ गया हूँ मैं, और ऑलमोस्ट सारा सामान मिल गया। मैंने 3 ग्रेवीज लिए, चावल लिए हैं, पराठा लिया है और पिज़्ज़ा लिया है। अभी मेरे को तलाश है फ्रोजन मोमोज की। जी हाँ, फ्रोजन मोमोज भी मिलते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, देखते हैं। अभी तो मेरा मूड नहीं है फ्रोजन नूडल्स लेने का, बट अगर मन बनता है तो फिर वो भी देखते हैं। गाइज अभी 2 बज चुके हैं, मैं अभी तक सामान ही ढूंढ रहा हूँ। इंस्टा फ्रोजन सामान ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी दूसरे मॉल में आया हूँ, होपफुली मोमोज और जो नूडल्स आपको बता रहा था वो मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा नूडल ले ही लेता हूँ, पूरी एकदम फुल पैक वीडियो बन जाएगी, कंपेरिजन भी हो जाएगा, 24 घंटे खाना भी हो जाएगा। केक मिक्स, रवा इडली, रवा डोसा मेरे को चाहिए, ये हल्दीराम्स के दिल्ली स्टाइल छोले, ओह कॉम्बो मील, ये टाटा वाले हैं, नॉन वेज नहीं, वेज चाहिए, ये वेज वाले, तो इनमें से एक ये या ये में से कुछ एक सोच रहा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्रेजी, रेडी टू ईट में काफ़ी सारा सामान है, गुड स्टफ, लॉट ऑफ स्टफ। ये पास्ता आ गए हमारे, ये नूडल्स आ गए, ये राजमा चावल का कॉम्बो था, मैंने सोचा ये भी ले लेता हूँ, और ये जो है अगर ये छोले भटूरे वाले छोले हल्दीराम्स के, एक नंबर। अब इसमें बस मोमोज बचे हैं। भाई साहब पिछले 2.5 घंटे से मैं घूम ही जा रहा हूँ ये सारी चीज़ें ढूंढने में। दो बज के 35 मिनट हो रहे हैं और यहाँ पे देखो मोमोज भी ले लिए मैंने। तो अभी हम लोगों ने आई थिंक 1000 रुपीज वर्थ का इंस्टेंट सामान ले लिया। लेट्स गेट टू होम दोस्तों। पहली बार ऐसा हो रहा है 24 आवर चैलेंज की मैं बाहर निकल के इतना सामान ले रहा हूँ, और उन सब चीज़ों में ये सैनिटाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आप जा रहे हो मॉल्स वगैरह में, वो आपका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, मास्क मेक श्योर कि आप कभी भी नीचे नहीं कर रहे हो, और मास्क को टच नहीं कर रहे, मास्क को निकालना है, एडजस्ट करना है तो यहाँ से इन वाली चीज़ों से करो। सेफ्टी के साथ दोस्तों लाइफ थोड़ी थोड़ी नॉर्मल पे आ रही है, कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा, बट सेफ्टी सबसे पहले।
ओके जी, जैसे आपने देखा ये सारा सामान मैं लेके आया हूँ, फाइनली घर आ चुका हूँ। इसका प्राइस जो है सिर्फ और सिर्फ 110 रुपये है, 175 ग्राम राजमा के लिए और 200 ग्राम राइस के कॉम्बो के लिए। इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। या तो आप इस पाउच को जो है उबलते हुए पानी में 3 से 5 मिनट के लिए डाल लो और उसके बाद इसको काट के खा लो, या फिर आप जो है इसको आप माइक्रोवेव कर लो 1 से 2 मिनट के लिए, या फिर आप इसके अंदर एक छोटा सा पाउच वो डाल डुल के, मतलब ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और ये इसकी जो है एनर्जी वो जो भी फलाना ढिमकाना है, कैलोरीज इसके अंदर है। बाकी इस पैकेट को खोलते हैं और देखते हैं। बहुत ही बेकार अनबॉक्सिंग। चावल और ये राजमा है और इसी के अंदर प्लेट मिली हुई है और एक टिश्यू मिला हुआ है और एक चम्मच मिला हुआ है। बहुत सही है। 18 जुलाई का बना हुआ है 2020 का और 1 साल इसकी एक्सपायरी है। ठीक है जी, इसको मैं 2 मिनट इसको माइक्रोवेव कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग इसको खाएंगे। आज नाश्ता यही करेंगे हम लोग। तो भाई ये मैंने डब्बा खाली कर लिया है। ये कुछ इतने चावल निकले हैं, 200 ग्राम चावल, काफ़ी बड़ी कटोरी है। इसको मैं प्लेट में डालूंगा, पूरी प्लेट भर जाएगी। अच्छा चावल का क्वांटिटी है। और ये राजमा है, राजमा भी अच्छे लग रहे हैं। चावल का दाना मैंने कुछ अराउंड 40 सेकंड इसको माइक्रोवेव कराया और एकदम गरम गरम हो चुका है, पूरा खिला खिला दाना है। चावल अच्छे अच्छे लगे, राजमा भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और राजमा भी काफ़ी सारे डाले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी है, राजमा भी अच्छे हैं और क्वांटिटी भी अच्छे हैं। ओके, टाइम टू टेस्ट राजमा चावल। ओए ओए ओए, ये शॉट बढ़िया है, ये चेकआउट करो, सही लग रहा है यार। मतलब एकदम ऐसी फीलिंग आ रही है, खुशबू भी ऐसी आ रही है कि मैं या तो रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहा हूँ या फिर मैंने घर पे डिलीवरी मंगवाई है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये 1 महीने पहले बना था और प्रिजर्व्ड है। जो ग्रेवी है ना उसके अंदर टमेटोज बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं, टमाटर जो है ना काफ़ी ज़्यादा डाले हुए हैं। जो मैंने ये वाले राजमा चावल जो है हल्दीराम्स पे भी जाके खाए हुए हैं, तो वो फ़र्क है। वो मेरे हिसाब से ना वो प्रिजर्वेटिव थोड़ा सा डाल रखा है, कैन टमेटोज या फिर टमेटो प्यूरी डाली होगी जिससे थोड़ी लंबी लाइफ हो जाए इसकी। बट टेस्ट जो है ना भाई साहब, मैं अगर आपको खिला दूँ ना ये, आप बता नहीं पाओगे कि ये डिलीवरी मंगवाई है या फिर पैकेट से माइक्रोवेव में गर्म करके खाया है। बहुत सही यार, बहुत सही। और रेट इतना रीजनेबल है, 110 रुपये में भरपेट खाना। अगर आप आजकल तो रेस्टोरेंट में डिलीवरी मंगवाते हो राजमा चावल की, तो वही आपको 150 रुपये तक की पड़ जाती है। और अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाओ तो ये राजमा चावल मेरे हिसाब से हल्दीराम्स में ही 170-180 रुपये का होगा। 110 रुपये में आपको घर बैठे कुछ मेहनत नहीं करनी, बस मार्केट से ले आओ डब्बे और 3-4 डब्बे एक साथ ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक साथ चल जाते हैं। माइक्रोवेव में डालो जब भी खाना हो और निकल के खा लो। मैं आराम से इसको बैठ के ख़त्म करता हूँ और शाम को खाएंगे हम लोग नूडल्स। उसमें भी आज तो वीडियो इतनी बढ़िया बन रही है, कोई मेहनत ही नहीं करनी, बस मतलब पैकेट खोला माइक्रोवेव में डाला। ओए एकदम आलसी लोगों के लिए वीडियो है। अगर आप आलसी हो तो मैं कमेंट करना है, यस कमेंट ओनली यस लेजी लोगों के लिए। चलो मैं इसको ख़त्म करता हूँ, आप शाम को मिलता हूँ आप लोगों से। गाइज अभी टाइम हो रहा है 5:45 और कुछ 2 घंटे पहले ही मैंने खाया था, मतलब 2 घंटे पहले राजमा चावल खाया था और भूख लग गई क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट ना, मेरा मन नहीं था ब्रेकफास्ट स्किप करने का, बट ये इंस्टेंट इतने सारे जो रेडी टू ईट वाले पैकेट ढूंढते ढूंढते ना 2 से 2.5 घंटे लग गए मेरे को। तो अभी भूख लग रही थी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं नूडल्स भी साथ में ही खा लेता हूँ। मन कर रहा है कोई दिक्कत नहीं भाई, जब मन करे तो खा लो। मैं अभी नेटफ्लिक्स पे ना, तो मैं राजमा चावल खाते खाते ये बॉस पे भी देख रहा था। सही शो है यार, राजमा चावल खाते खाते ये देख रहा था और मेरा अभी कुछ और खाने का मन कर रहा है। तो अभी हम लोग शाम को क्या खाएंगे, शेजवान नूडल। आज के दिन में सारा का सारा खाना जो है ना RTE होगा, रेडी टू ईट। तो ये खोलते हैं, देखते हैं डब्बे में क्या है और इसकी क्या न्यूट्रिशनल है। जब भी आप कोई भी रेडी टू ईट खाना ले रहे हो ना या फ्रोजन फूड ले रहे हो, उसके अंदर ये चेक करो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स कितने डलें, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स डलें उतनी ज़्यादा चीज़ वो जो होती है ना अनहेल्दी होती हो। मतलब वंस इन अ ब्लू मून आप खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप रोज़ रोज़ नहीं खा सकते वो चीज़। मतलब आज तो खा रहे हैं, आज वो वंस इन अ ब्लू मून वाला डे है, क्या ये चीज़ मैं दोबारा ऑर्डर करके खा सकता हूँ, ये हम लोग फिगर आउट करेंगे। ये है हॉट एंड स्पाइसी शेजवान नूडल्स विद वेजीज, क्विक क्विजीन, ये टाटा की है। और यहाँ पे पैकेट पे ही लिखा हुआ है कि हीट टू ईट 60 सेकंड बस माइक्रोवेव करना है।
डब्बे को हम लोग यहाँ पे देखे तो नाम ही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नाम, यहाँ पे भी ब्रांडिंग, बस ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी करी हुई है। डब्बा भी देखने में ना काफ़ी स्लीक्स है, और मतलब बाकी ये देखो ये डब्बे और इन डब्बों के मुकाबले ना काफ़ी अच्छी प्रीमियम पैकेजिंग करी हुई है। पीछे आते हैं भाई, यहाँ पे होती है सारे किसी भी डब्बे की पोल। वेजिटेरियन है, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। कंटेन्स अ फोक एंड नैपकिन फॉर योर कन्वीनियंस। ये अच्छी चीज़ है, आप ऑफिस में खा रहे हो, आप अपने सीधा माइक्रोवेव में लेके गए और आपको कुछ और लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी इसके अंदर चीज़ें हैं, देखने में ठीक लग रहा है। और ये इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये जो डब्बा है इसकी प्राइस है 100 रुपये, और 300 ग्राम इसका वेट है। और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कुछ अराउंड 300 कैलोरीज के आसपास का ये पड़ता है। ये डब्बा कुछ अराउंड 280-290 कैलोरीज के आसपास का ये डब्बा है। बाकी डब्बा देखने में तो ठीक लग रहा है, अब इसको खोल के देखते हैं कैसा है। इसको काफ़ी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी करी हुई है, बट मेरी पैकेजिंग खोलने वाली कुछ ऐसी सी है। हाँ जी, यहाँ पे देखते हैं इसके साथ में ही। अच्छा, ये देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, हाउ टू हीट वाली। ये आप अगर चूल्हे पे कर रहे हैं वो, मैं माइक्रोवेव करूँगा इसको। आधा इसको खोल के माइक्रोवेव कर लेंगे 60 सेकेंड के लिए। अगर आप इसको चूल्हे पे करते हैं, स्टोव पे करते हैं, तो फिर ये इंस्ट्रक्शंस है, ये सारी वो पानी बॉईल करके 3 से 5 मिनट इसको रख देंगे। ये यहीं पे आपको चम्मच मिला हुआ है और फोक मिला हुआ है, तो इसको एक बार खोल के देख लेते हैं ये कैसा है। ओ भाई साहब, कमाल है भाई। ये तो ऐसा लग रहा है जब हम लोग लंच में मैगी लेके जाते थे ना स्कूल में, तो मैगी ऐसी बन जाती थी। यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा डला हुआ है। ऑयल यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल और सेसमे ऑयल यूज़ करें, दोनों ऑयल्स अच्छे हैं, बट जस्ट दैट कि इसकी ना प्रिजर्वेशन, इसकी शेल्फ लाइफ 1 साल तक इसको चलाने के लिए इसके अंदर तेल डाला हुआ है, ताकि चीज़ें जो है बासी ना हो, ख़राब ना हो, उनमें कुछ फंगस वगैरह ना लगे। इसको ऐसे आधा ढक्के में ऐसे ढक के मैं इसको माइक्रोवेव कर लूँगा। माइक्रोवेव करके लाता हूँ तो आपको बताता हूँ। लो जी, माइक्रोवेव करके ले आया हूँ इसको। पैकेट देखो कुछ ऐसा दिखता है, पैकेट में ऐसे दिखते हैं, असलियत में ऐसे दिखते हैं। मेरे को शेजवान नूडल बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं स्पाइसी खाना खाता हूँ, तो एकदम ना स्पाइसी वाला टेस्ट आता है शेजवान नूडल्स में। बट इसमें ना जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आ रही है, बट थोड़ी सी एट द सेम टाइम ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इसको मैं देखने में ओवरऑल अपीयरेंस वाइज दूंगा 10 में से 7.5 नंबर। बाकी इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या इसका सीन है। टेस्ट एवरेज है इसका, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। स्पाइसी नहीं है ये, बट बहुत ही अजीब से है, थोड़ा सा टैंगी टोमेटो ही टेस्ट है। मशरूम्स, कैप्सिकम, बेबी कॉर्न्स एंड स्प्रिंग अनियंस इसके अंदर लिखा हुआ है। कैप्सिकम तो मेरे को दिख नहीं रहे। शुगर, सॉल्ट, स्पाइसेस, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, टोमेटो सॉलिड्स, हाँ इसके इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है टोमेटो सॉलिड्स, जिंजर, जैगरी, सेसमे ऑयल। मतलब इसमें नमक भी डाला हुआ है, इसमें थोड़ी सी चीनी भी डली हुई है, टोमेटो भी डाला हुआ है, और आपका गुड़ भी डाला हुआ है इसके अंदर। तो थोड़ा सा स्वीट सा और टैंगी सा टेस्ट है। मतलब शेजवान नूडल्स एकदम स्पाइसी से होते हैं, वो वाली बात इसमें है। ना इसको मैं ठीक ही बोलूंगा। राजमा चावल बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया टेस्ट में इसको 10 में से 4 नंबर दूंगा या 3 नंबर। फिर रात में खाएंगे दिल्ली स्टाइल छोले, उनसे उम्मीद है, वो भी हल्दीराम के, तो मस्त। अपना देसी खाना ही बढ़िया भाई, राजमा चावल, छोले, नूडल, नूडल ना मजा नहीं आया नूडल। ओके गाइस, रात का टाइम हो चुका है, डिनर का टाइम हो गया। अब डिनर के टाइम पे ऐसी चीज है, मेरे को लग रहा है कि मेरे को काफी उम्मीदें इससे, इस पैकेट से नहीं है, क्योंकि ये पैकेट ना मेरे को यहाँ पे ये पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, फिर मैंने ये चीज़ देखी। ये चीज़ देख के मेरे को इससे ना ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, बट मेरे को जिस पैकेट से उम्मीदें हैं वो इस पैकेट से, एक दिल्ली वाला छोले, दिल से दिल्ली। और कौन से पैकेट से उम्मीदें हैं मेरे को? ये वाला पनीर, ब्रो पनीर, और साथ में कुछ
पराठे वराठे होने चाहिए भाई, पराठे मंगवा जी। We have this instant, सब कुछ instant। 3.5 से 4 मिनट इनको, तीनों को मैं बॉइलिंग वाटर में डालूंगा बिना इनके पैकेज खोले। अच्छा, अब ये मालाबार पराठा का क्या करना है ना, ये मालाबार पराठा का इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसके अंदर या तो अगर आपके पास कोई तवा है या कोई ऐसा फ्लैट सा पैन है तो आप उसके अंदर इसको पहले प्री हीटेड तवे पे रखो, फिर उसमें तेल लगा के जैसे हम लोग वो पराठा वराठा बनाते हैं ना वो चीज़ कर लो। या मैंने अभी अवन प्री हीट होने रखा हुआ है, अवन प्री हीट होता है उसके अंदर मैं इसको डाल दूंगा। इसमें लिखा हुआ है कितनी देर के लिए, मैक्सिमम 7 मिनट्स के लिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है कुकिंग टाइम 3 मिनट्स में डन हो जाता है ये, तो हम लोग 5 मिनट के लिए रखेंगे। मतलब जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा वो क्रिस्पी और फ्लेकी होगा। मतलब डिनर हर वीडियो में माइंड ब्लोइंग रहता है। आप किचन में चलते हैं, पतीला उबालते हैं बॉइलिंग वाटर और उसके अंदर इसको डालते हैं और लाते हैं तो बात करते हैं। तो दोस्तों, बनाने से पहले मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ इसके अंदर कौन से पैकेट में कितना कैलोरीज और क्या क्या वो सब चीज़ें। ये मालाबार पराठा है, मतलब मैदे वाला लच्छा पराठा, साउथ में काफ़ी फेमस है ये। एक पराठे, दो पराठे के अंदर 328 कैलोरीज है। इसका प्राइस है 105 रुपये, टोटल 6 पीस है इसके अंदर। इसकी जो एक्सपायरी है वो 18 महीने शेल्फ लाइफ है, 18 महीने चल जाएगा, कोई ख़राब नहीं होगा। ये है हमारा ब्राउन जीरा राइस, 90 सेकेंड माइक्रोवेव करो बन जाएगा। इसका प्राइस है 95 रुपीज़, 250 ग्राम के लिए ब्राउन जीरा राइस है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, 100 ग्राम्स में 164 कैलोरीज है। ये किसी सुमेरू ब्रांड का है, ये कोहिनूर का है, ये हल्दीराम्स का है और ये MTR का है। दिल्ली स्टाइल छोले पे आते हैं जी, दो लोगों को सर्व करेगा इसके अंदर, दो कटोरी छोले निकलेंगे कुछ अराउंड। ये 350 ग्राम का ही है, 300 ग्राम का है। इसकी शेल्फ लाइफ है जी, 1 साल की शेल्फ लाइफ है। देखो 100 ग्राम में 120 कैलोरीज है, 95 रुपीज़ इसका, 85 रुपीज़ इसका प्राइस है। और ये इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं, कहाँ पे है? ये रे सारे इंग्रेडिएंट्स। ये जो है 15% इसमें चीज़ डाला हुआ है, कॉटेज चीज़, मतलब पनीर डाला हुआ है, चीज़ नहीं पनीर, पनीर मखनी है जी, पनीर मखनी MTR का बड़ा फेमस ब्रांड है जी, MTR नो प्रिजर्वेटिव फलाना ढिमकाना। 300 ग्राम ये भी है, दो लोगों को सर्व करेगा ये, और इसका प्राइस है 135 रुपीज़। पनीर थोड़ा महंगा ही होता है। ये एक पाउच है जी, इसके अंदर पूरी सब्जी बनी हुई है। ये लो जी, उबलते हुए पानी में इसको डाल दिया, 1, 2 और ये 3। ये जी मालाबार पराठा, देखो जी ऐसा लग रहा है कुछ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। हाँ जी, अच्छे खासे इसके अंदर लेयर्स हैं, और 1, 2, 3, 4, 5 पराठे हैं, 6 होने चाहिए थे इसके अंदर। ये 300 ग्राम का पैकेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ग्राम के 2 पराठे हैं, तो 6 होने चाहिए थे, बट यहाँ पे 5 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पराठे से मैं खुश हूँ। पनीर की ग्रेवी मैंने थोड़ी सी टेस्ट करी थी, अच्छी थी। छोले मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करे, देखने में छोले जो हैं ठीक लग रहे हैं, मतलब जैसे पंजाबी ढाबे जो होते हैं ना, ये दिल्ली में काफ़ी जो ढाबे टाइप से होते हैं उसमें जैसे छोले मिलते हैं वैसे मिलते हैं। हल्दीराम्स में मैंने ऐसे छोले तो कभी नहीं खाए, मैं यार उनके छोले भटूरे ही खाता हूँ। काफ़ी अलग सा लग रहा है, मतलब दाना जो है काफ़ी चिपका चिपका सा है, खिला खिला सा नहीं है, मतलब वो वाली बात नहीं है इसमें, बट पक चुका है, ये पूरा पका हुआ है, मैंने खा के इसको चेक कर लिया। ग्रेट दोस्तों, दिन के आखिरी मील के लिए पूरा रेडी हो चुके हैं। ये पान का जो डब्बा है इसको भी मैं बाहर निकाल के रख देता हूँ, थोड़ा 5-10 मिनट जितने हम लोग खाना खाएंगे उतना ये जो पान का डब्बा है ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, फ्रोजन नहीं रहेगा। पहले स्टार्ट करेंगे लच्छा पराठा और छोले के साथ, दिल्ली वाले पंजाबी छोले, टेस्टी होनी चाहिए, फर्क नहीं पड़ता चाहे दिल्ली के हो या मुंबई के हो। पूरी ग्रेवी और इवन इंग्रेडिएंट्स भी मैं इसके देख रहा था ना, एकदम वैसे ही लग रहे थे मेरे को, लग रहा है इन्होंने सेम ग्रेवी बनाई, उसमें राजमा और छोले डाल दिए, स्टैंडर्डाइजेशन। पर ये जो पराठे का साथ टेस्ट आया ना भाई, आप आवाज सुनो यार इस पराठे की बजे। अब ये एक पराठे के साथ पनीर का पीस उठाता हूँ, थोड़ी सी ग्रेवी लेता हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहा था मैं, इसके अंदर काजू डाला हुआ है इन्होंने, टमाटर डाला हुआ है, थोड़ी सी डेंगी दूध वाली काजू वाली ग्रेवी है। सबसे पहले टेस्ट आपको ना टैंगी टमेटो का आता है, तो अगर आपको टमाटर नहीं पसंद ना तो वो चीज़ आपको लगेगी। ये पनीर मखनी की ग्रेवी जो एकदम मलाईदार होनी चाहिए, एकदम क्रीमी क्रीमी सा टेक्स्चर आना चाहिए, उसके अंदर भी आपको फर्स्ट जो टेस्ट टच करता है ना वो टमाटर का करता है,
उसके बाद फिर आपको ऐसे काजू का, मलाईदार, क्रीम का, वो सारे टेस्ट आ रहे हैं, बट पैलेट अच्छा है इसका। इसको मैं बड़े मजे से ब्राउन राइस के साथ इंजॉय कर सकता हूँ। ओए होए होए, क्या शो, ब्राउन जीरा राइस पनीर, मतलब काफी अच्छा पैलेट बन रहा है। जो दिल्ली छोले है ना, वो थोड़े ज्यादा स्पाइसी है, चटपटे टाइप से है, और जो ये पनीर मखनी है ना, ये मलाईदार है, क्रीमी है, थोड़ी पटरी सी है, टैंगी है, तो एकदम दोनों कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और साथ में पराठे, और आप इसको चावल के साथ खा रहे हो ना, काफी बढ़िया सा, मतलब ये पूरा ऐसा लग रहा है मेरे को, मैं शादी में आ गया हूँ कहीं पे और मेरे को मस्त दावत मिल रही है। भाई आज सारा खाना हम लोगों ने रेडी टू ईट खाया, तो ये भी रेडी टू ईट ही है भाई, फ्रोजन पान, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पता नहीं है कि नहीं, बट कंपनी है ये रसरंग, और यहाँ पे इनका सब कुछ 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 लिखा हुआ है, यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग है, नो सुपारी, नो टबैको, फलाना ढिमकाना, वैक्यूम पैच, 6 पान के पीसेस हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जी, देखना यहाँ पे, नो प्रिजर्वेटिव यूज्ड, 12 अगस्त को बने थे 2020 में, और एक साल की इनकी एक्सपायरी है, फ्रीजर में रखना है जी इनको। एक पान में अगर आपको इंटरेस्ट हो, 40 कैलोरी होती है, कुछ 42 कैलोरीज होती है एक पीस कीवी में, एक कीवी और एक पान एक बराबर होते हैं। नारियल डला हुआ है, गुलकंद, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं क्या क्या डला हुआ है इसके अंदर, हमें इंटरेस्ट है पैकेट के अंदर क्या है, कैसे खुलता है ये, ऐसे ही खुलेगा, कोई सच वो तो है नहीं, बड़ी अजीब सा एक्सपीरियंस है ओपनिंग का, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूं। ओहो वाह, मेरे को ये उम्मीद नहीं थी इससे, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसे पान, मतलब मैंने ऐसा कभी पान मतलब ऐसे नहीं खाए, काफ़ी कमाल का लग रहा है यार। ओह ओके, पत्ता पता नहीं कैसा लग रहा है मेरे को, बड़ी अजीब सा लग रहा है ऐसा पान खाते हुए, वियर्ड। खा के ही पता चलेगा, देखने में तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है, पुदीने जैसा लग रहा है, पान जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ठीक है जी, मील की आखिरी चीज़ मीठे में, मीठे नहीं मतलब मुखवास के लिए हम लोग पान खा रहे हैं। पान को ना काफ़ी हेल्दी चीज़ मांगते हैं मुखवास के लिए, मतलब उसके अंदर जो चीज़ें डलती है, गुलकंद पड़ता है, पान का पत्ता इतना डाइजेशन के लिए हेल्दी होता है, मतलब ऐसे लगता है पान इज सपोज टू बी अ मेडिसिनल थिंग, बट वो टेस्ट में वैसे नहीं लगता, ये लग रही है वैसे जड़ी बूटियों जैसी, ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे को एकदम ही अजीब सी ना कोई आयुर्वेदिक दवाई खिला दी। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ध्यान रखो, और हाँ, लास्ट चीज, अगर आपको इसका पार्ट टू देखना है तो कमेंट्स में बताना, वीडियो पे अगर 10,000 लाइक्स आएंगे तो पार्ट टू भी फटाफट लेके आएंगे, इंस्टेंट फूड का, पिज्ज़ा, मोमोज और पास्ता, सब कुछ फ्रोजन खाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।